43 वर्षीय निरंजन ज्योति का जन्म 1967 में उत्तर प्रदेश स्थित हमीरपुर जिले के पतिउरा में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। ज्योति ने 21 साल की उम्र में स्वामी अच्युतानंद से गुरु दीक्षा लेकर संन्यास ले लिया था। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में बतौर केंद्रीय सहमंत्री का पदभार संभाला है। इसके अलावा वे उत्तर प्रदेश के भगवा ब्रिगेड का चेहरा माने जाते हैं। निरंजन ज्योति ने बीजेपी से जुड़ने के पहले दुर्गा वाहिनी और विश्व हिंदू परिषद में भी कार्य कर चुकी हैं। इस दौरान वो तेज तर्रार और बेबाक नेता रही हैं। साथ ही उन्हें राम मंदिर आंदोलन से भी पहचान मिली है। निरंजन ज्योति कई धार्मिक संस्थानों से भी जुड़ी हैं। इसके अलावा वो प्रवचन भी देती हैं। बीजेपी से जुड़ने के बाद निरंजन ज्योति ने 2002 में यूपी से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद 2007 के विधानसभा चुनाव में भी उनके पाले में हार ही आई थी। इसके बाद 2012 के चुनाव में हमीरपुर सीट से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था, जहां पर उन्होंने जीत दर्ज करवाई थी। बीजेपी ने उन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर सीट से चुनाव मैदान में उतारा था, जहां पर उन्हें जीत मिली थी। निरंजन ज्योति को श्रीमद् भागवत, श्री राम कथा, गीता और उपनिषद पढ़ने में रुचि है। साथ ही उन्हें तीर्थ यात्रा और धार्मिक भजन सुनना भी काफी पसंद है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।